दोस्तों, भारत में एनर्जी सिस्टम की यदि बात करें तो इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं, ऊर्जा उत्पादन, संचरण और वितरण। हालांकि कई विकसित देशों में ऊर्जा के उत्पादन से लेकर इसके उपभोग तक को पूरी तरह से ऑनलाइन और डिजिटाइज्ड किया जा चुका है, जिसे हमारे देश में किया जाना अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और फैक्ट क्रक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के बारे में और जानेंगे इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। We mark the successful achievement of a vision that is shaping a tomorrow filled with growth and prosperity, energizing the hopes and dreams of 1.3 billion Indians. Grid management was being done on a regional basis since the 60s. The government of India entrusted Power Grid to take on the formidable task of phase-wise unification of all regional grid. उत्पादन की यदि बात करें तो फिलहाल 60% के आसपास ऊर्जा का उत्पादन कोल, ऑयल और कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल स्रोतों के द्वारा थर्मल एनर्जी के रूप में किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर बाकी बची 40% ऊर्जा अन्य गैर परंपरागत स्रोतों जैसे कि हाइड्रो, विंड, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसका संचरण हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स के द्वारा पावर प्लांट से शहरों तक किया जाता है। लंबी दूरी के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले हीटिंग लॉसेस को कम रखने के लिए विद्युत ऊर्जा को हाई वोल्टेज और लो एम्परेज एसी पर स्टेप अप कर दिया जाता है। शहरों में स्थित सबस्टेशंस इस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप डाउन करते हैं और जिससे आखिर में फीडर ट्रांसफॉर्मर्स के द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक 230 और 50 हर्ट्ज एसी के रूप में वितरित किया जाता है। दोस्तों, ये पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के केवल एक छोटे से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का उदाहरण है, जबकि पूरे देश में ऐसे कई बड़े बड़े पावर प्लांट्स मौजूद हैं जो लगातार बिजली बनाते हैं, और ऐसे कई ट्रांसमिशन लाइन्स हैं जो बिजली को शहरों तक लेके जाती है। तो क्या होता है जब कोई पावर प्लांट मौजूदा बिजली की मांग से ज्यादा ही पावर जनरेट करने लग जाता है? ये सरप्लस बिजली कहाँ जाती है? क्या ये वेस्ट हो जाती है? जी नहीं दोस्तों, दरअसल इस सरप्लस बिजली को एक बहुत बड़े और विस्तृत इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के जरिए अन्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता है जहां बिजली की मौजूदा डिमांड ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के इस विशाल एकीकृत और सिंक्रोनस नेटवर्क को ही इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कहा जाता है। भारत में इसे नेशनल ग्रिड के नाम से जाना जाता है, जो एक बहुत ही विशाल हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही बड़ी और सक्रिय इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, जो भारत के सभी पावर प्लांट्स और तकरीबन सभी बड़े पावर सबस्टेशंस को आपस में जोड़ती है, और घटती बढ़ती मांग के अनुसार ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली का ट्रांसमिशन करती है। इतिहास की यदि बात करें तो साल 1960 में क्षेत्रीय ग्रिड की संकल्पना की गई थी, जिसके अंतर्गत राज्यों को क्षेत्रीय स्तर पर आपस में जोड़ा जा सके, और इसके लिए कुल 5 रीजनल पावर ग्रिड्स बनाई गई थी, जिन्हें राज्य शासित पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज और मेंटेन किया जाता था। भारत में इन ग्रिड्स की रनिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जिसे 49.5 हर्ट्ज न्यूनतम और 50.5 हर्ट्ज अधिकतम के ऑपरेशनल बैंड पर ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी में आने वाले उतार चढ़ाव कैसे किसी ग्रिड की हेल्थ को निर्धारित करते हैं, ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम जानेंगे ये 5 रीजनल ग्रिड्स कौन कौन सी थी और किन किन राज्यों को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी। दोस्तों, ये 5 ग्रिड्स हैं नदन ग्रिड यानी उत्तरी ग्रिड, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड यानी उत्तर पूर्वी ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड यानी पश्चिमी ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड यानी पूर्वी ग्रिड और सदर्न ग्रिड यानी कि दक्षिणी ग्रिड। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि पहले
राज्यों की अपनी एक अलग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हुआ करती थी, जो आपस में जुड़कर एक एसिंक्रोनस रीजनल ग्रिड बनाती थी, जो किसी भी लिंक के द्वारा अन्य रीजनल ग्रिड्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान नहीं कर पाती थी। लेकिन बाद के कुछ वर्षों में इन रीजनल एसिंक्रोनस ग्रिड्स को HVDC बैक टू बैक सिंक्रोनस लिंक्स के द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया गया और एक सेंट्रल ग्रिड की स्थापना की गई। हालांकि तकनीकी और जियोपॉलिटिकल समस्याओं के चलते दक्षिणी ग्रिड को अभी तक इस सेंट्रल ग्रिड से नहीं जोड़ा जा सका था। और फाइनली 31 दिसंबर 2013 को एक महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन ग्रिड के तहत दक्षिणी ग्रिड को भी सेंट्रल ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया और एक अति विशाल और देशव्यापी सिंक्रोनस नेशनल ग्रिड का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा पूरे देश में सुचारू रूप से बिजली का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड ऑन वन सच रिमार्केबल जर्नी टू एस्टैब्लिश वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। उदाहरण के लिए, यदि आंध्र प्रदेश में बिजली की मांग अधिक हो जो सदर्न रीजनल ग्रिड के द्वारा पूरी नहीं हो पा रही हो, और यदि उसी समय नॉर्दर्न ग्रिड से जुड़े पावर प्लांट्स अतिरिक्त बिजली उत्पन्न कर पा रहे हो, तो ये सरप्लस बिजली नेशनल ग्रिड के माध्यम से कुछ तकनीकी और कानूनी मापदंडों के अनुसार सदर्न ग्रिड को ट्रांसफर की जा सकती है, जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश में उत्पन्न बिजली की मांग को पूरा किया जा सके। यही नहीं दोस्तों, भारत के नेशनल ग्रिड भूटान के साथ सिंक्रोनस लिंक और बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ एसिंक्रोनस लिंक के साथ जुड़ी हुई है, जिसका मतलब ये है कि हमारे देश की आंतरिक जरूरतों के बाद यदि हमारे पास अतिरिक्त बिजली बचती है तो हम इसे इन देशों को बेचकर राजस्व कमा सकते हैं और जरूरत के समय इनसे बिजली खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, भविष्य में श्रीलंका और थाईलैंड को भी भारतीय नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसे समुद्र के अंदर HVDC इंटरकनेक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा, जिससे एक पावर पूल का निर्माण होगा और ये देश आपस में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कर पाएंगे, और इसमें हमारी भारतीय नेशनल ग्रिड का एक बहुत ही बड़ा योगदान होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे किसी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव आते हैं और ग्रिड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी इस बात पर निर्भर करती है कि डिमांड और सप्लाई के बीच का अनुपात क्या है, और यह अनुपात ग्रिड की रनिंग फ्रीक्वेंसी पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। यदि किसी रीजन में मांग के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम होती है, तब उस रीजनल ग्रिड की फ्रीक्वेंसी गिरने लगती है, और यदि वह ग्रिड मांग से ज्यादा ही बिजली का उत्पादन कर रही हो तब उस ग्रिड की रनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ग्रिड की रनिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाने से नुकसान होता है और बढ़ जाने से फायदा, बल्कि इन दोनों ही स्थितियों में ग्रिड को नुकसान ही होता है, और कई बार ग्रिड ठप होने की नौबत भी आ जाती है, जिससे उस रीजन के सभी राज्यों में ब्लैकआउट की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। आधे से ज्यादा देश में बिजली नहीं है। जरूरी सुविधाओं से लेकर आपके घर तक, कारखानों तक, दफ्तर तक, कहीं पर भी बिजली नहीं है, ना उत्तर भारत में, ना पूर्वोत्तर भारत में, ना पूर्वी भारत में। नॉर्दर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड ठप है। तो दोस्तों, किसी भी ग्रिड की सेहत इस बात से तय होती है कि वह सप्लाई वर्सेस डिमांड के इस अनुपात को कैसे हैंडल करती है, और ग्रिड हमेशा ही हेल्दी रहे ये सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड की रनिंग फ्रीक्वेंसी को उसकी ऑपरेशनल लिमिट में ही रखना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो में बताई गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं गौरव और आप हैं फैक्ट क्रक्स के साथ।